तो सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते गोपाल भैया। नमस्ते दीदी। तो चलिए, नमस्ते सभी को। आप सबका इस मॉर्निंग सेशन में, सुबह के सत्र में स्वागत है। और ये असाइनमेंट सामने लिखा हुआ है, हम लोग इसी पर बात कर रहे हैं और हम सब लोग मिलकर उसका अभ्यास भी कर रहे हैं, है ना। आप असाइनमेंट को देखेंगे तो सिंपल स्टेप वन पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी स्टेप पड़ेंगी तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर भी बात करेंगे, थर्ड स्टेप पर भी बात करेंगे। और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हियरिंग जब आप रखते हैं तो मैं आंसर को स्टेप वन को फोकस में रखकर ही देता हूँ, जिससे कि अगली स्टेप पर हम अभी इससे काम ना करने लग जाए। तो नॉर्मली मैं बहुत सारे प्रश्नों को स्टेप वन को ही फोकस रख कर बात करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप वन एक महत्वपूर्ण स्टेप है। इसमें हम अपने को अवेयरनेस से देख रहे हैं, है ना। और ये अपने को अवेयरनेस से देखना और पूरी तरीके से देखना है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो पहला स्टेप देखेंगे तो मुझे अपने लिए तो बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि पूरे दिन में हम कितना समय इस बात के लिए अवेयर भी रहते हैं कि हमको अपने ऊपर ध्यान बनाए रखना है। और जब ध्यान बनता है अपने में तो हम कितना अवेयरनेस के साथ अपने में जो भाव विचार आशा चल रहा है उसको देख रहे होते हैं। और जब देख रहे होते हैं तो हम लोग इस बात को कर ही चुके हैं कि रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोनों बातें हम लोग यहाँ पर ध्यान दिला रहे हैं। एक तो क्या करना है तो उसके रूप में देखेंगे, तो अपने में अवेयरनेस बनाए रखना है, ये निर्णय बनाए रखना है कि हमको अपने में देखना है। और जब ध्यान अपने पे जा रहा है तो देखते हुए चीजों को इंटरप्ट नहीं करना है, रिएक्शन नहीं देना है, रोकना नहीं है, है ना, वहां से भागने का प्रयास नहीं करना है। तो ये सब भी हम लोग बातों को ध्यान रख रहे हैं और इन सब बातों के साथ सिर्फ अवेयरनेस के साथ अपने को देख। तो जैसे जैसे हम अपने को अवेयरनेस से देखना स्टार्ट करेंगे तो शुरू में जो भी दिखता है हम उसको देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे हमारे भाव विचार आशा इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे जैसे हमारी देखने की सूक्ष्मता बढ़ेगी तो हमको एक हर विचार के पीछे एक भाव भी दिखेगा, और भाव दिखने लगे ये भी एक महत्वपूर्ण स्टेप है। तो जब भाव हमको समझ में आने लगेगा कि ये मेरे में क्या भाव चल रहा है, फिर उसको हम नेक्स्ट स्टेप पर देखेंगे कि क्या करना है। इस सेंस में तो स्टेप वन बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप लगती है। और बार बार हम लोग इस बात पर बात कर ही रहे हैं कि जब भी आप कल्पनाशीलता पर ध्यान दे रहे हैं वो कहीं शिफ्ट हो जाती है, कहीं और ध्यान आपका चला जाता है, तो फिर से हम अपने ऊपर ही ध्यान देते रहे, है ना। उसको बहुत रिएक्शन के साथ वापस ना आए, उसको बहुत ही अवेयरनेस से देखें कि अभी मेरा ध्यान बाहर चला गया है और हमको ध्यान अपने भी बनाए रखें। तो थोड़ी देर बाद वो सहज रूप से ही ध्यान अपने ऊपर आने लगता है। तो स्टेप वन में मेनली तो हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं और हम लोग ने इस बात को भी रखने की कोशिश की है कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है उसको हम लोग नोट करें कहीं पर, उस पर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें। डॉक्यूमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, जब नोट करते हैं तो हमारा ध्यान और भी जाता है। और अगर हम उसको नोट करते रहते हैं तो एक भाग ये भी होता है कि आने वाले समय में जो हमारी गति हुई है, तो जब आप पहले दिन के नोट्स देखेंगे और 10वें दिन के नोट्स देखेंगे तो आपके प्रश्नों में, आपके ऑब्जर्वेशन में और गहराई हमको नजर आती रहेगी। तो वो आपके लिए भी बहुत उपयोगी होगा और हम सबके लिए उपयोगी होगा। हम सब लोग देख पाएंगे कि एक व्यक्ति जब ऑब्जर्वेशन से निकलता है तो कैसे उसकी गहराई बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इतनी बात के साथ हम लोग शेयरिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आज हम लोग स्टेप टू पर भी बात करेंगे। अब जब आप आज हम लोग स्टेप टू पर बात करेंगे, कल से जब हम लोग शेयरिंग रखेंगे तो मैं स्टेप वन और स्टेप टू इन दोनों को जोड़कर आंसर देने के प्रयास करूंगा, लेकिन आज तो हम लोग स्टेप वन पर भी ही स्टिक रहेंगे, उसी को और समझने का प्रयास करेंगे।
जी, तो हम लोग शेयरिंग ले लेते हैं, एक दो लोगों का हाथ उठा हुआ है। नमस्ते नमस्ते गोपाल भैया, नमस्ते गोपाल, सभी। नमस्ते जी। मैं पहले काल देखने का कोशिश कर रहा था कि अपनी इमेजिनेशन को, और इसमें तो बोला गया है कि इसको इवेल्युएट बिना इसको देखें, तो मैं देखता रहा, लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्ट ऑफ इमेजिनेशन था वो चेंज हो गया। तो मुसीबत मुझे आता है कि क्या करूं, फिर वापस पहले वाला पे आ जाऊं और दूसरे वाला लेके हम आगे चलूंगा। ये बात है, प्लीज ठीक जी है कि नहीं बताइए। जी तो भैया, हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप कल्पनाशीलता पर ध्यान दे रहे हैं, इमेजिनेशन पर ध्यान दे रहे हैं, और आपका ऑब्जेक्ट फिर चेंज हो गया है, तो जो चेंज हो गया उसको देखते रहिए। कल्पनाशीलता ने कहीं शिफ्ट नहीं, उसको उसको देखते रहिए। अच्छा, तो दूसरे वाला जो आया इसको देखेंगे। उसको देखना है, उसका एनालिसिस नहीं करना है, विश्लेषण नहीं करना है, हाँ जी, नहीं उसको पहले तो देखना है। इसको, फिर पहले दूसरा वाला जो है इसको खाली देखना है बिना इवैल्यूएशन के पहले, पर जी 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 बाद में इसको फिर देखेंगे कि ये इसकी फीलिंग को देखना चाहेंगे। फिर तीसरा आ गया, फिर तीसरे में जाएंगे। उसको भी देखते रहिए अच्छा, ओके, धन्यवाद जी। देखिए, आपका। जब हम देखते रहेंगे ना, एक उसका आउटकम ये आ सकता है कि हम जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में शिफ्ट हो रहे होंगे, तो हमारी अवेयरनेस इतनी हो सकती है कि हम ये देख पाएंगे कि हम शिफ्ट भी होने जा रहे हैं। अभी क्या, हम शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट टू को देख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन का अभ्यास करें, तो जो शिफ्टिंग हो रही होगी उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ऑब्जेक्ट वन से ऑब्जेक्ट टू में जा रहा हूँ। अभी हम अनअवेयरनेस में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसको देखते रहेंगे, उसका अभ्यास करते रहेंगे, तो एक समय पर हमको ये भी दिखने लगेगा जब हम शिफ्ट भी होने जा रहे हैं, फिर हम बहुत अवेयरनेस के साथ ही शिफ्ट हो सकते हैं। अभी मुद्दा शिफ्ट हो रहे हैं ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हम बहुत वन से टू में कैसे आ गए, है ना, टू से थ्री में कैसे आ गए, तो हम वन को पूरा देख नहीं पाते हैं, टू में शिफ्ट हो जाते हैं, टू को पूरा नहीं देख पाते हैं, थ्री में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो चल रहा है ना, ये एक इशू है। तो अगर आप जो कह रहे हैं उसको हम अभ्यास करते रहें, तो हम शिफ्टिंग भी बहुत अवेयरनेस से करेंगे कि वन को देख रहे थे, वन का काम हो गया है, इसलिए हम टू से थ्री में शिफ्ट हो अच्छा, रहे हैं, तो शिफ्टिंग में भी हमारी अवेयरनेस बनेगी तो उसमें भी फीलिंग का, जी। फीलिंग पार्ट को देखना है। जी ठीक हाँ, तो पहले तो जो चल रहा है उसको देखते हैं, फिर उसको है। हमको अलग अलग करके देखना है कि मैं विचार को देख रहा हूँ कि भाव को देख रहा हूँ, है अच्छा ना, कि आश्रम को देख रहा हूँ। अगर इसको हम और देख पाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो पहले स्टेप में तो हम ये कर रहे हैं कि जो चल रहा है उसको देख लें, अगर हमको लग रहा है कि हम ठीक से देख पा रहे हैं, तो हम और गहराई से देखें, ये विचार को देख रहे हैं कि भाव को देख रहे हैं। तो विचार से भाव पर अगर हम शिफ्ट हो जाए कि हाँ देखो, विचार ये चल रहा था, भाव ये चल रहा है, तो और भी अच्छा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप घर पर बैठे हैं, है ना, और जब घर पर बैठे हैं तो मान लीजिए घर पर कोई आपके लिए कुछ खाना बनाकर लाता है, तो खाना बनाकर लाता है, तो एक तो विचार आप में ये चल रहा है, तो विचार में ये भी हो सकता है, एग्जाम्पल ही है, तो विचार में ये भी हो सकता है, देखिए मेरे घर वाले कितनी केयर करते हैं, मेरे लिए कितना अच्छा भोजन बनाकर लाए, ये विचार चल रहा है ना। भाव के लेवल पर देखेंगे तो ग्रेटिट्यूड का भाव भी है कि मेरे लिए इतना लेकर आए, तो मेरे में अच्छा ग्रेटिट्यूड का भाव है इससे ये विचार आ रहा है, या मेरे में कुछ अन्यथा भाव चल रहा था उससे विचार आ रहा है, तो ये भाव के लेवल पर भी हम चीजों को फिर देख पाएंगे। तो जैसे आप अपने घर में किसी को देखते हैं जो बीमार है, इमिजिएटली आप उसके लिए मेडिसिन लेकर आते हैं,
उसके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं, घर में पार्टिसिपेट करना चालू कर देते हैं। तो आपको मेडिसिन देना है, ये विचार आ रहा है, और ध्यान से देखेंगे तो पीछे केयर का फीलिंग है, इसीलिए आपके अंदर विचार आया है कि उनके शरीर की नर्चरिंग किया जाए। जी तो विचार को भी देखें और फिर उसको देखना चालू करेंगे तो उसके पीछे के भाव को भी देख पाएंगे। तो इस पर छोटी छोटी घटनाओं मेरे में जो चल रही है उस पर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए कि हम विचार को ही देख के एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि विचार से पीछे कोई तो भाव हो गई, या तो अभाव से विचार आया या भाव से विचार आया। तो भाव से विचार आया उसको भी मैं देख पाऊँ कि ये भाव से देखो ये विचार आया है, अभाव से आ रहा है तो उसको भी देख पाऊँ कि ये विचार चल रहा था लेकिन इसके पीछे ये अभाव था, है ना। यानी कि भाव की अपेक्षा थी, इस अपेक्षा से मेरे में विचार आया, इसको भी मैं और क्लियरिटी से देख पाऊँ। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम यही कोशिश ही कर रहे हैं कि पहले हम जो चल रहा है उसको देखें, फिर धीरे धीरे जो चल रहा है उसके आधार में क्या उसको भी देखें। तो विचार अगर देख पा रहे हैं अच्छा तो इसके पीछे के भाव को भी देखें। हाँ जी भैया, जी एक बात है, ये तो फीलिंग, जो फीलिंग के अभाव में जो विचार आता है, तो इसको तो जी हम देखते हैं। फिर अभाव में आता है तो इसको फिर हम भाव भाव पर लाएंगे और क्या करेंगे? अभी कुछ मत करिए। स्टेप वन में, अच्छा स्टेप वन में इतना देख लीजिए कि भाव से आ रहा है कि अभाव से आ रहा ठीक। है, उसके पीछे क्या है ना। स्नेह के भाव से विचार आया है कि द्वेष के भाव से आया, बस देख लीजिए। फिर स्टेप टू में और स्टेप थ्री में जाकर हम लोग और गहराई से चर्चा करेंगे, बस क्या करना चाहिए। जी ठीक वो एक्चुअल में होता है क्या है भैया, वो इसलिए हम लोग इतना रुक के बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग स्टेप्स को मिक्स कर देते हैं, है ना। वही होता तो है। अभी क्या होता है कि स्टेप वन में हम देख रहे होते हैं और भाव तक हम पहुंच भी नहीं पाए हैं कि हम उसका विश्लेषण करके तय करने लगते हैं कि यही भाव होगा। तो एक तो तरीका यह है कि हम एनालिसिस करके देख रहे हैं, तर्क के आधार पर देख रहे हैं कि यह भाव होगा। तो जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, तो जब आप मेडिसिन या कुछ, है ना, परिवार के लिए कुछ मेडिसिन लेकर आए हैं व्यक्ति के लिए, तो अब ये तर्क के आधार पर ये दिख जाता है, भाई मैं किसी के शरीर की नर्चरिंग के लिए कुछ लेकर आया हूँ तो भाव तो मेरे अंदर क्लियर का ही होगा, ऐसा तर्क के आधार पर लगता है। लेकिन अब हमको क्या करना है, हमको सीधे सीधे देखना भी है कि ये क्लियर का फीलिंग मैं देख भी पा रहा हूँ कि नहीं। तो तर्क के आधार पर बता देना ये एक बात है, सीधे सीधे देखना ये उससे भी इम्पोर्टेंट बात है। तो सीधे सीधे जब तर्क देख लिया ना बिना एकदम देखना आगे चाहिए। की, हाँ हाँ जी, तर्क से अनुमान लग सकता है लेकिन अनुमान से चीजें सेटल हो जाएंगी ऐसा नहीं है ना। तो हम जो तृप्ति पूर्वक जीने की बात कर रहे हैं तो तृप्ति तो तभी आएगी जब सीधे सीधे मैं अपने भाव को देख पाऊंगा। तो इसीलिए वो बहुत रुक कर स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री ऐसे हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग का भी बहुत सारा अभ्यास है कि हम लोग चीजें मिक्स कर देते हैं। जी भैया, तो मुझे अभी इतने कहना था, इस पर आपको कुछ लगता है बताइए। नहीं भैया, बाद में करेंगे। धन्यवाद आपका। जी भैया, जी भैया, जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। भैया, जो प्रश्न मेरा था उसका आंसर तो मुझे कुछ मिल गया, लेकिन एक अच्छा छोटी सी शेयरिंग भी थी वो मैं आपसे जी शेयर जी करूँगा। तो भैया, ऐसे कल जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था तो इतना तो एक क्लैरिटी बनी कि हाँ, कल्पनाशीलता और शरीर में डायरेक्टली संबंध तो नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल्पनाशीलता मेरे में चलती है और शरीर का उपयोग मैं उसको करने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा मैं कल देख पाया। जैसे बहुत कुछ चल रहा था, जब मैं उसको एक्सप्रेस करने जाता हूँ, एक्सप्रेस करने का जो विचार आता है, तब मैं शरीर का यूज करता हूँ, तो उसमें ब्रेन का यूज होता है। जैसे कल ब्रेन पे बात हो रही थी, तो ब्रेन का यूज उससे पहले तो नहीं दिखता। तो जब ब्रेन पे यूज करते हैं तो उसमें बहुत बार ये होता है कि ये करें ना करें, बहुत सारे विचार आ जाते हैं, कैसे करें और ये करें, तो फिर बहुत ज्यादा
इतने सारे विचार हो जाते हैं कि ब्रेन पे एक बोझ सा महसूस होने लगता है। ये इतना मेरी शेयरिंग थी। और भैया जो क्वेश्चन मेरा था बेसिकली वो एनालिसिस के भाव से रिलेटेड था, तो अभी उसके बारे में तो यही था कि आपने भी बताया कि वो एनालिसिस के आधार पे होता है। तो अभी एनालिसिस तो हो रहा है भाव का, लेकिन अभी डायरेक्टली अगर देखें तो तुरंत नहीं दिखता, वो थोड़ा एनालिसिस के बाद ही दिखता है। तो इसमें यही भैया मेरा एक शेयरिंग और क्वेश्चन भी था कि इस भाव को देखना है तो डायरेक्टली कैसे देखें, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा। जी, तो देखिए मैं जब अपने से ये प्रश्न पूछता हूँ, है ना, मतलब मेरे में ये आता है कि कैसे देखूँ, तो मैं तो अपने लिए इसको इस तरह से देखता हूँ कि जब मेरे में कोई विचार चल रहा होता है और मेरा उस पर ध्यान जाता है, तो मैं अपने में ये बात निर्णय लेता हूँ कि अब इस विचार के पीछे के भाव को भी मुझे देखना है, और उसको मैं लूज छोड़ देता हूँ, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ। फिर 2-3 बार दिन में ध्यान गया तो कोई विचार चल रहा है, फिर मैं अपने में निर्णय बना के रखता हूँ कि देखना तो अल्टीमेटली इसके पीछे के भाव को ही है। जब मैं इस तरह से चलता हूँ तो मुझे लगता है कभी कभी मुझे भाव का दृश्य डायरेक्टली दिखता है, और कुछ मोमेंट तो मैं देख पाता हूँ कि मैं ये देख भाव को भी ये देख पा रहा हूँ और ये विचार को भी देख पा रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम निर्णय कितनी गहराई से बना के रखते हैं, है ना। तो दिन में कई बार हमारा जब जब ध्यान जाए अपनी कल्पनाशीलता पर, तब तब हम अपने से बोले अब हमको भाव को भी देखना है, और उसको बहुत उस समय देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस समय क्या होता है, हम तर्क करने लगते हैं, तर्क के आधार पर देखने लगते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी एक निर्णय लेके चल रहे हैं कि कल्पनाशीलता पर ध्यान बनाए रखना है, बाहर चला जाए फिर भी अपने में निर्णय बना के रखना है, कल्पनाशीलता पर ध्यान चला जाए। तो आप देखेंगे ऐसे हम लोग धीरे धीरे जब निर्णय लेते रहे तब हमारा कल्पनाशीलता पर ध्यान जाने लगा, हमको दिखने लगा है कि हाँ कल्पनाशीलता में कुछ चल रहा है। अब हमको नेक्स्ट में यही करना है, अपने लिए तो मैं यही करता हूँ कि जब विचारों पर ध्यान जाता है तो फिर मैं अपने इसमें निर्णय बनाता हूँ, अब मुझे भाव को भी देखना है ना। जी तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये मैं भाव को देख पा रहा हूँ और इससे पहले विचार चल रहा है। तो जितना हमारा निर्णय में गहराई होगी, कन्विंसिंग निर्णय जितना होगा कि हमको देखना है, तो धीरे धीरे वो दिखने लगेगा, उसमें भी आप बहुत खींचातानी ना करें, दिख क्यों नहीं रहा है ना, यही जी है कि नहीं है, होगा तो आपको तृप्ति मिलेगी उसका दिखने का। जी भैया। तो भैया जैसे एक ऑब्जर्वेशन इसके साथ में है कि जैसे शरीर में कहीं खुजली होती है तो उसको खुजलाने का विचार आता है, ये दिखता है। फिर ये भी दिखता है कि उसको कितनी इंटेंसिटी से खुजलाऊं, तो इंटेंसिटी से खुजलाने की जब बात आती है तो ये दिखता है कि शरीर का पोषण का भाव पीछे बना हुआ है, कि अगर ज़्यादा तेज खुजला दिया तो शरीर को हार्म हो सकता है जो हमें आगे परेशान कर सकता है। दूसरा भैया एक चीज ये देखी कि जब मैं खुजलाने का निर्णय लेता हूँ तो उसके पीछे ये होता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मेरा ध्यान खुजली पे चला गया, तो अगर ये खुजला लूंगा तो ध्यान मेरा फिर वापस आ जाएगा, मैं अपने काम को ठीक से कर पाऊंगा। तो भैया इसमें देखें तो दोनों जगह पे, एक तो शरीर के पोषण का भाव दिखता है, सुरक्षा का भाव दिखता है, दूसरा सही समझने और सही करने का भाव दिखता है। तो क्या ये भैया ठीक है? जी, बस उसमें मैं एक स्टेप अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ कि अभी जो आप कह रहे हैं वो एक हद तक तो सही है, बस और थोड़ा सा हम लोग का ऑब्जर्वेशन और बढ़ गया, इसके लिए मैं ये बात ऐड कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि हम लोग का जो अभ्यास है ना, हम सबका ही, मोस्टली लोगों को मैं देखता हूँ, अपने को भी देखता हूँ, कि बहुत जल्दी जो अनुकूल नहीं होता है उसको हटाने का प्रयास करते हैं, और जो अनुकूल होता है उसको रखने का प्रयास करने लगते हैं। तो जी एक बार मुझे लगता है ये भी करके देखा जाए कि शरीर में जब कुछ प्रतिकूल हो रहा है तो उसको हटाने के बजाय उसको भी एक बार देख लिया जाए कितनी देर तक ये चलेगा। जी होता है क्या है कि थोड़ा सा इचिंग होता है, मतलब मैं नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ,
कोई बीमारी है तो अलग बात है, जो स्ट्रेस की बात है तो इचिंग होती है एक बार, तो उसको भी एक बार देखा जाए ढंग से, देखे कितना रहता है ये, उसको भी ऑब्जर्व किया। जी तो उसमें होता है क्या है कि हमारा ध्यान इमिजिएटली उन चीजों पर चला जाता है जो हमारे लिए अनुकूल नहीं होती है, और हमारा पूरा ध्यास इस बात का कहीं ना कहीं तो है कि इमिजिएटली उसको हटाया जाए, और हमारा पूरा फोकस ही उसी पर बन जाता है कि जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हमारा मन लग ही नहीं सकता कहीं। तो ये भी एक अच्छा अभ्यास हो सकता है कि शरीर में ये चल रहा है, इसको होने दे जाए, मेरे कल्पनाशीलता में जो चल रहा है इसको देखते रहें, उसको भी होने दीजिए, ऐसा भी हम प्रयास कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ सुनेंगे तो भी हम ये देखेंगे जैसे संवेदना है वो भी टेम्परेरी है, फिजिकल केमिकल एक्टिविटी हुई है, धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा, लेकिन हम उसमें इतना फोकस्ड हो जाते हैं तो हमको लगता है शरीर में यही एक भाग है और इसी को जब तक ठीक नहीं कर देंगे तब तक ठीक नहीं होगा। तो इसका भी हम लोग एक बार अभ्यास करके देखते हैं, फिर देखिए क्या होता है। जी जी भैया, तो क्या जी जी इसमें ये कह सकते हैं कि ये मानना ही है, मैंने मेरा मानना ही है कि ये ऐसा चलने वाला है, अभी उसको देखा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे तो बहुत सारे काम रुक जाते हैं इसी मानने के आधार पे कि अगर मैं ऐसा होता रहा या अनुकूल नहीं है तो मैं करूंगा नहीं, तो मतलब मैं रोक देता हूँ काम को आगे करने से। तो ये मानने के आधार पर बहुत सारे चीजें तो कुछ दिख रहा है कि मैंने माना और रोक दिया कि ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। और ऑब्जर्व करता हूँ भैया, जी फिर डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको ऑब्जर्व करिए, फिर आपको कुछ शेयरिंग हुआ तो फिर शेयर करिएगा। जी जी भैया, नमस्ते सभी। जी नमस्ते। हाँ थोड़ी सी स्लो लग रही है भैया मुझे। जी चलिए, मैं इसको थोड़ा सा अब फिर ठीक है, बात अब ठीक है, करूँगा। अब बिल्कुल ठीक हाँ है। सर, ऐसा है कि 31 तारीख का जो असाइनमेंट था, जो हमारे लिए जो टास्क दिया गया था, तो उसके संबंध में है, कल मेरी टर्न नहीं आई थी तो इसलिए मैं कल अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं रख सका, तो जी इसलिए आज इसको रख रहा हूँ ताकि आगे की बात उससे किया जा सके। तो उसमें था स्वयं के जी द्वारा स्वयं को देखना, हर समय इसका अभ्यास करना, तो इसके रिगार्डिंग है जी ये है कि जब मैं बिना किसी इंटरप्शन के सेल्फ को सेल्फ के द्वारा देखता हूँ, तो अपनी जी इच्छा विचार और आशा को निरंतर बदलते हुए देखता हूँ। कभी ये अंदरूनी कारण होते हैं तो कभी ये बाहरी कारण होते हैं। यहाँ पर यह निर्णय कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि सुख स्वभाव है या प्रभाव है। अगर सर सुख स्वभाव है, ये हम सभी समझते हैं, आज मेरे को लगता है 33वां दिन हो गया मेरे को आपके साथ जुड़े हुए, तो हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि सुख स्वभाव है, तो इसको ठीक से अपने आप को समझने से ही हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं या हम इसको समझ पा रहे हैं। लेकिन दुविधा तो ये है कि स्वभाव होने के बावजूद भी जो प्रभाव का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, जो कुछ बाहर से चल रहा है, उसको हम, मेरे को लगता है, बहुत ज्यादा हद तक मिनिमाइज नहीं कर पाए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सभी भाई बहनों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंसान का जो एक्सरसाइज है अपने ऊपर वो डिफरेंट है, वो उसमें कोई कमी हो सकती है। तो मेरे को ये लगता है कि मैं ये समझने के बावजूद भी कि सुख स्वभाव है, ये बाहरी जो प्रभाव है या इसका जो प्रभाव का इम्पैक्ट है, उसको जीरो जीरो नहीं कर पाया, तो क्या ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा या कभी कोई ऐसी स्टेज बनेगी कि हम बिल्कुल परफेक्शन के साथ इसको अपनी लाइफ जो है उसमें एग्जीक्यूट कर सकें। तभी मेरे को लगता है इस वर्कशॉप का जो कंटिन्यूस है 4 महीने के लिए, या हमने जो पहले वर्कशॉप लगाई हैं ऑनलाइन या फेस टू फेस, तो उसका सही से फल जो है वो तो तभी मिल पाएगा। इसके बारे में ये एक ऑब्जर्वेशन है, सवाल इसमें मेरा कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ इसके बारे में थोड़ी रोशनी चाहता हूँ आपसे। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है आपके साथ, बड़ा मजा आ रहा है, मैं लगभग इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सेशन जो है उसके साथ जुड़ा हूँ। जी सर, जी भैया, तो देखिए ये बात आप जो कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं अपने लिए कि अभी बिल्कुल जीरो तो नहीं हुआ है प्रभाव, तो
बाहर का। लेकिन मुझे लगता है हम इस बात को देखें कि पहले से कंपैरिजन में, जब आप वर्कशॉप इन कंटेंट से नहीं निकले थे और आज की स्थिति में देखें, तो क्या लगता है हमारा बाहर का जो प्रभाव हम पर पड़ रहा था, कुछ कम हुआ है कि नहीं हुआ? जी सर, कम इसमें हुआ है। आपका क्या इसमें अपना मतलब? इसमें कोई दो राय जी नहीं है कि उसमें कमी आई है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जी जो है वो बड़ा है इन चीजों के। जी तो कम हुआ है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी तो है कि आगे जाकर और भी कम हो जाएगा, जी है ना? तो जितना कम हुआ है, देखिए उसको भी ध्यान रखिए कि अगर हम पिछले इतने साल की यात्रा देखें तो इसमें मुझे इतना अचीव हुआ है, इतनी स्थिरता तो आई है, इसको भी ध्यान रखिए। तो इसको अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे मन में ना एक उत्साह बना रहेगा, है ना? उत्साह बना रहेगा, एक अच्छा लगेगा कि देखिए इतना तो हमने अचीव किया है। इतने के साथ हमारा मोटिवेशन भी बनेगा, इतना अचीव हुआ है तो आगे चल के ये और भी कम हो सकता जी है ना? तो उसमें जो मुख्य बात है वो मैं एक बात पर और ध्यान दिला दूं कि प्रभाव कम करना है इस, तो ये अभ्यास प्रभाव कम नेचर है ना, और ना ही इस बात से हम आगे चल के दुखी हो कि देखो हमने प्रभावित हो गया। मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना, तो सोचने के सेंटर में प्रभाव है, स्वभाव नहीं है। सेंटर में हमको स्वभाव रखना है कि आज मैंने इतना अभ्यास किया, इतनी देर मैं बाहर के प्रभाव से बच गया, ये उसका नेचुरल आउटकम है। जितना गहरा मैं अपने स्वभाव को देखने का प्रयास करूंगा, उतना बाहर का दबाव प्रभाव होना तो है ही, कम होगा ही, वो उसका एक नेचुरल आउटकम है। तो जितना आउटकम आपने देख लिया है उसका अपने उत्साह बना रहे, उत्साह बनाइए कि हाँ इतना तो हो गया, अब आगे के लिए आपका उत्साह बनेगा, मोटिवेशन बनेगा कि इतने समय लगा के ये फ्लक्चुएशन कम हुआ है। अगर मैं स्वभाव पे और ध्यान दूंगा तो ये फ्लक्चुएशन और कम हो सकता है। तो जी स्वभाव को सेंटर में रखकर आप इस बात को वैल्यू करिए अपने लिए, है ना? तो मुझे लगता है और तेजी से कम होना तो नेचुरल आउटकम है, वो तो होना ही है। अभी तक नहीं हो रहा था क्योंकि हम बाहर स्वभाव ध्यान दिए थे, अपने स्वभाव पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए कम नहीं हो रहा था। अब स्वभाव पर ध्यान दे रहे हैं तो अपने स्वभाव पर ध्यान देने के साथ साथ मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा था उसको हम कहीं ना कहीं मूल्यांकन कर ले रहे हैं, इसलिए वो कम दिखता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि और हम समय लगाएंगे तो कम होने की संभावना तो है, और जीरो भी हो जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी से ना तो नहीं किया जा सकता है, जब कम हो रहा है। जी सर, जी जी भाई। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। नमस्ते गोपाल जी, नमस्ते सभी को। कल नमस्ते भैया, जब चर्चा नमस्ते। हो रही थी तो ये बात निकल के साथ में आई थी कि जब हम खुद का द्वारा खुद को जी देख रहे होते हैं इच्छा विचार आशा में, तो हमें शरीर के अंगों की जरूरत नहीं है। इसी दौरान आपने एक जी बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी थी। आपने ये बताया जब हम खुद के द्वारा खुद को देख भी रहे होते हैं तब भी हम कभी कभी अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं। इसी बात में मेरा ये जी निष्कर्ष है, क्योंकि हम उस समय भी आंखों का प्रयोग करते हैं तो हमारे इच्छा विचार आशा में जो इनपुट आता है वो भी संवेदनाओं के द्वारा ही आता है, और संवेदनाओं का जो रिजल्ट होता है वो यही होता है कि रुचिकर होती है, जरूरी लगती हैं और बाद में वो असर नहीं हो जाती हैं, तो इसलिए सर हमारा भारी हो जाता है। आपने एक बहुत जी इम्पोर्टेंट बात ये बताई है कि जब हम खुद के द्वारा खुद को देखते हैं तो कुछ लोग अपने आंखों का प्रयोग करते हैं तो इसलिए सर पे भारीपन भी आ जाता है। ये बात मेरी स्पष्ट मुझे नहीं हो पाई कि एक्चुअली कैसे होता है कि हम खुद के द्वारा खुद को देख रहे होते तब भी हम अपने आंखों का प्रयोग करते हैं और वो सर में भारीपन का एक कारण भी होती है। तो जब खुद के द्वारा खुद को देख रहे हो तो आंखों का प्रयोग हम कैसे करते हैं? एक तो ये प्रश्न है, एक दूसरा प्रश्न और है, वो मैं बाद में पूछूंगा। तो करते ही हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, एक संभावना के रूप में मैंने बताया था। एक संभावना इस बात की भी है कि मैं संवेदनाओं के माध्यम से अपने को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगली बार जब आप अपने को देखने की प्रक्रिया में जाएं तो आप देखिए आपको
क्या दिख रहा है, देखिएगा क्या हो रहा है, क्या होता हुआ दिखता है आपको। तो जैसे ही आप ये अपने में देखेंगे क्या हो रहा है, मैं आज देखूंगा, तो देखिए किसी संवेदना पे तो आप जानेंगे। जैसे 2 मिनट के लिए अभी भी आप आई क्लोज करिए अपनी, है ना, आराम से बैठिए और अपने से पूछिए, अभी मैं अपनी कल्पना शीलता को देखूंगा और देखिए क्या हो रहा है। क्या पूरी बॉडी रिलैक्स है, आंखों पर पड़ रहा है ना, संवेदनाओं पर जोर तो नहीं डालना है, इस सबको थोड़ा ऑब्जर्व करिए और अपने में क्या चल रहा है, क्योंकि बिना संवेदनाओं से प्रभावित हुए मैं अपने में जा पा रहा हूँ कि नहीं। लेकिन इनफैक्ट हम सब लोग 1 मिनट के लिए काम कर सकते हैं ओके जी, हम लोग पॉज ले लेते हैं जस्ट 1 मिनट के लिए। तो 7:04 7:05 पर हम रिज्यूम करेंगे, तो इसका हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट का देखें और देखिए आपका ध्यान अपने ऊपर जा रहा है या फिर संवेदना में जोर डालती है। ठीक है, बताइए 1 मिनट में आपने क्या किया, है ना, देखिए। अभी तो जो मैंने देखा है, जो फील किया है, पंखे की हवा आ रही थी उसको फील किया है, जी और जी बाहर एक पक्षी की आवाज़ थी वो हमारे कानों तक आई, यही था। और कुछ अंदर ऐसा कुछ खास चला नहीं, चला हुआ तो मैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया। जो आपने बातें कही थी वो भी थोड़ा दिमाग में चलती रही। जी तो अभी मूलतः देखेंगे तो प्राइमरीली हम जो देख रहे हैं ना, शरीर पे जो प्रभाव पड़ रहा है बाहर का, उस पर हमारा ध्यान जा रहा है। अपनी कल्पनाशीलता में क्या चला इस पर अभी हम जी इमीडिएट पे पंखे का प्रभाव पड़ रहा है, उस पर ध्यान चला गया। बाहर कोई साउंड आ रहा है, उस पर ध्यान चला गया। तो बेसिकली तो हम संवेदनाओं को ही ध्यान, और अभ्यास करिएगा ये देख पाए कि अब मुझे अपने में देखना है क्या चल रहा है। तो जब आप पूरी तरह से अपने में आने लगेंगे, है ना, और संवेदनाओं से थोड़ा सा विथड्रॉल कर लेंगे, तो वो जो आप कह रहे हैं ना वो कम हो जाएगा फिर। ओके, अब मेरा एक दूसरा प्रश्न और है। जी जब अच्छा हम ठीक है, बताओ। अपने इच्छा विचार आशा को देख रहे होते हैं, तो ये जी हम ही कर्ता होते हैं और हम ही दृष्टा होते हैं। जी मेरा मेरा देखने का अनुभव ये है कि हम दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब हम कोई इच्छा विचार आशा हमारे यहाँ चल रही होती है, तो हम कर्ता तो होते हैं, एक ही समय में हम कर्ता और दृष्टा नहीं होते हैं, ये मेरा अनुभव है। जब इच्छा विचार आशा चल जाती है और जब हम उसका एनालिसिस या मूल्यांकन करते हैं, तब हम उसके दृष्टा हो जाते हैं, ये मेरा अनुभव है। इसमें थोड़ा सा आप अपना क्लैरिफिकेशन देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कर्ता और दृष्टा दोनों एक साथ नहीं हो पाता हूँ। हमें ये बताया जाता है कि आप ऑब्जर्व ऑब्जर्व कीजिए, तो ऑब्जर्वेशन की क्रिया हो ही नहीं पाती है, करने की क्रिया हो पाती है। ऑब्जर्वेशन क्रिया तब हो पाती है जब हम वो एक इच्छा विचार आशा चली और उसका जब मूल्यांकन करते हैं, उसको फैलाते हैं, तब जो पास्ट में हुआ है उसका जब मूल्यांकन करते हैं, तब हम उसके दृष्टा बनते हैं। वो हाँ दृष्टा बनते हैं, हम करता ही रहते हैं, और कर्ता और दृष्टा हम एक साथ में नहीं बन पाता है। सर आपके विचार। हाँ देखिए, मेरी जो इसमें समझ अभी तक बनी, मैं देता हूँ, है ना। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर हम कल्पनाशीलता की जैसे ही देखने का काम भी कर रहे हैं, वही निर्णय का काम कर रहे हैं, तो ऐसा इम्प्रेशन जा सकता है कि जब मैं निर्णय ले रहा हूँ तब मैं देख नहीं रहा हूँ, जब देख रहा हूँ तो अपने हायर पोटेंशियल को देखेंगे। से जब हम देखेंगे
हम ये देख पाए कि दृष्टा की जगह से चीजों को होता हुआ भी मैं देख पाऊंगा और निर्णय भी ले पाऊंगा। तो दृष्टा की जगह से ये दोनों चीजों करने का पोटेंशियल है मेरे में। लेकिन अगर हम कल्पनाशीलता के स्तर पर जाके देख रहे हैं तो ये बात दिखती है कि जब मैं निर्णय ले रहा हूँ तब मैं नहीं रहा हूँ, तो देख रहे नहीं ले रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। दृष्टा की जगह से जब हम जाएंगे तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी बन गए, क्योंकि तब मैं अप्रभावित होकर देख रहा हूँ। तो B1 ब्लॉक की जो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, है ना, दृष्टा की जो बात कर रहे हैं, तो मैं अप्रभावित हुए उसको देख भी सकता हूँ और निर्णय पूर्वक उसको चला भी सकता हूँ। लेकिन एक बात तो ठीक ही लग रही है अभी कि जब मैं निर्णय ले रहा हूँ तो निर्णय पे मेरा फोकस होगा, है ना, जब निर्णय हो जाएगा तो फिर मैं उसको ऑब्जर्व करने लगूंगा। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब दृष्टा की जगह होंगे तो हम निर्णय को भी देख पा रहे होंगे, निर्णय से जो उसको भी देख पा रहे होंगे, तो देखते हुए भी निर्णय ले, ऐसा मुझे भी लग रहा है। बाकी ना जी बोलो। ओके, थैंक यू। ओके जी, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते जी, आवाज आ रही है भैया? जी, जी, आ रही। तो पिछली 2-3 दिन के जैसे ऑब्जर्वेशन है लोग, उससे जो एक प्रश्न उठा कि प्रश्न भी नहीं, एक गलत राह पर जा रहे हैं, वो ऐसे कि रिएक्शन हो ही जाता है जो भी हम जैसे बैठे ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ, और हमने कि रिएक्शन नहीं होने देना उसका, रिएक्ट नहीं करना उस पे ज्यादा, पर वो कॉन्स्टेंटली होता ही है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो। कई बार तो जैसे अंदर विरोध के भाव बने, और तो वो भी एनालाइज किया, जैसे भाव सीधे सीधे तो देखते नहीं, तो अगर किसी को डांट रहे हैं छोटे को, है ना, तो फिर भी मतलब दिख रहा होता है कि हाँ अब ऐसे ऐसे चल रहा है, तो उस क्षण या उसके थोड़ा बाद तो अपने आप को ऐसे होने लगता है कि यार ये तो गलत ही कर दिया, ये तो विरोध का भाव ही आ गया अंदर, ये तो नहीं आना चाहिए था, ऐसे फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे लगातार होता रहता है, तो इसका कोई और रास्ता जिससे ये रुक सके? जी जी भैया, तो उसी पर हम लोग ये ना इतने दिनों से बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए, जैसे आपके एग्जाम्पल से अगर हम लोग स्टार्ट करें कि हम बाहर कुछ एक्सपेक्ट, वो एक्सपेक्टेशन बच्चे से पूरा नहीं हुआ, तो अंदर कुछ हमारा भाव बिगड़ता है, उसके आधार पर बहुत सारा विचार चलने लगता है, अंतर्विरोधी विचार, वो विचार मेरी कल्पनाशीलता में फैल जाता है ना, और वो इतना डेंस हो जाता है कि वो मेरे एक्सप्रेशन में भी आ जाता है और बाहर रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब हो क्या रहा है, जब रिफ्लेक्ट हो जाता है तब हमारा इस पर ध्यान जाता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो विरोध का भाव से हो गया। तो अगर एक्सप्रेशन तक आ गया है, मान लेते हैं आ गया है, तो भी मुझे लगता है आप उस पर रिएक्शन न करिए, अपने पर उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरे में विरोध का भाव था तो विरोध का भाव एक्सप्रेस हुआ, उसको एक्सेप्ट करिए, और एक्सेप्टेंस के साथ फिर से कि मेरे में ये जो भाव चल रहा है, ये जो विरोध का भाव मेरे में चल रहा है, क्या इसी को मैं चाहता हूँ? बस सिंपल सी बात, वो जी, हर मतलब बार ये चीज अपने तो है में जो आ कि जाए। हमने ये भी चीज देखा कि हाँ अनकंफर्टेबल तो है ये भाव, चाहे जितनी जल्दी इसको मतलब निकाल दें, है ना, जब दूसरे को बोलकर अपने आप को शांत किया जाए, अल्टीमेटली जाता तो वहां पे ही है कि हाँ ये भाव अंदर नहीं रहना चाहिए, इसमें अनकंफर्टेबल है, ये नहीं चाहते, पर फिर वही बात कि अंदर से आता है ये भाव पहले, ये तो मतलब नहीं, बाद लेकिन की सोचते उसमें हैं एक कि हाँ सावधानी रखने की जरूरत है। हाँ, उसमें एक सावधानी रखने की जरूरत है। ये एक मैंने एक स्टेप बताया, अगली स्टेप ये हो सकती है कि जब मेरे में ये है ना बाहर से कुछ वो नहीं हो पाया, मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई और अंदर कुछ स्टार्ट हो गया, तो ये जो हम अवेयरनेस का प्रोग्राम बता रहे हैं, प्रोसेस, कि हम अपने पे ध्यान बनाए रखना,
तो अगर हम इसको ठीक से कर रहे हैं तो जैसे ही मेरे में ये पकना चालू होगा मेरा ध्यान चला जाएगा, अब मेरे में विरोध प्रभाव बन, ये होता है क्या, ये पूरा पक जाता है और बाहर जब एक्सप्रेस हो जाता है तब हमारा बहुत ध्यान जाता है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पक रहा होता है तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, हम उसको यानी कि विरोध के भाव का भी विरोध करते, देखो मेरे में फिर से आ गया, ये तो नहीं आना था, ये मुझसे और स्ट्रेंथन कर देते हैं, तो विरोध का भी हम विरोध करने पोजिशन करने लगते। जब आप पोजिशन का भी पोजिशन करेंगे तो उसका इंटेंसिटी तो और इंक्रीज हो ही जाएगी की संभावना पूरी। तो उसी को हम लोग स्टेप वन में ये बोल रहे हैं कि उसमें देखिए मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पलीफाई करके बताता हूँ। जैसे कि आप विरोध का भाव आ रहा है और आपको ये दिख गया विरोध का भाव आ रहा है, अब आप उसमें क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं कि उसमें करने लगते, उसमें किसी को कारण, तो जैसे ही आप ये सब लगाएंगे तो उसका जो डेंसिटी और बढ़ती जाएगी वो और गहरा होता जाएगा, और एक बार गहरा होकर फैल गया आपकी कल्पनाशीलता को उसने डोमिनेट कर दिया, फिर तो मुश्किल काम है, फिर तो हमको बाहर जाएगा ही जाएगा वो। तो इसलिए वो जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि उसको देखना है ना, सिर्फ देख रहे हैं वो, हम देखते नहीं हम उसमें उलझने लगते। तो एक उलझने का वे ये होता है कि मेरे में आ ही क्यों गया, ये भी हम कर रहे हैं तो भी उलझ रहे हैं। दूसरा उलझने का वे ये हो जाता है कि ये मेरी बात सुन लेता तो ठीक रहता ना, तो ये भी एक उलझने का वे हो गया। तो हम लोग उलझने के वे देखकर उसमें चले जाते हैं। तो उसी को हम लोग ये अभ्यास वन में ये कह रहे हैं कि सिर्फ उसको जाए। तो जब भी आपके में अगली बार ये आए तो आप अपने में निर्णय बना के रखिएगा, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग, मैं सिर्फ इसको ऑब्जर्व करता हूँ। अब उसमें होता है क्या है कि हमारा जो अभी पुराना अभ्यास है ना, कारण ढूंढ लेना है ना, दोषी को पकड़, ये सब संस्कार उछलने लगते हैं, इसलिए उस समय स्लिप होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि और थोड़ा सा आप निर्णय को है ना थोड़ा सा गहरा करिए और उस समय आप ये अपने मैं करूँगा, तो कैसे पता चलेगा कि मैं कुछ उसमें एड ऑन कर दे रहा हूँ, आपके चित्रण में अगर बहुत सारी चीजें फैलने लगे तो आप समझ लीजिएगा आप उसमें एडिशन कर रहे हैं, है ना। जैसे ही आपके चित्रण में फैलने लगे आप समझ लीजिएगा आपने इंटरनली कुछ एडिशन कर दिया, उसको छेड़ दिया उसको फिर से। जैसे ही आपके मन में दूसरे का विचार आने लगे उस विरोध को लेकर तो समझ लीजिए आपने उसको छेड़ दिया। जी ये रखेगा जैसे ही किसी का विचार दिया था बोलेगा मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा जो भाव गोपाल चल रहा है, भैया, तो इस विचार के पीछे के भाव पे आप जाने कुछ गोपाल भैया तो उसकी इंटेंसिटी ना। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते सभी को। भैया मेरा ये था कि जब मैं आंख बंद करके तो करती हूँ, अपनी कल्पनाशीलता को देखने की कोशिश करती हूँ, तो उसके दो तल होते हैं। एक तो जो डेली लाइफ में चलता है या जो सारी चीजें सोचते रहते हैं, दिन भर देखते हैं, और दूसरा वो कि आंखें बंद की और एकदम शांत हो जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि अब यहाँ का कुछ भी नहीं सोचना है या आता ही नहीं है ध्यान में, और कहीं ऊपर मतलब फिर वहां बहुत पीस सा रहता है, तो वहां पर फिर कुछ दिखाई देता है या कभी नहीं भी दिखाई देता, और दिखाई जो देता है वो हमारे ये डे टू डे की लाइफ से जैसा नहीं होता, कुछ अलग, मतलब कुछ अलग पीसफुल रहता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं किस तल से देखूं। एक तो ये कि जब मैं आंख बंद करती हूँ तो ये जो पूरे टाइम मेरी कल्पनाशीलता चलती रहती है, एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे विचार से तीसरा विचार में ये जंप होता रहता है, ये तो बंद हो जाती है जब आंखें बंद करती हूँ, और जब आंखें खोलती हूँ तो फिर ये सारी चीजें चल जाती हैं। और जब ये होता है कि आंखें बंद करती हूँ तो फिर एकदम शांत ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं और कहीं कुछ और बिल्कुल पीसफुल ऐसा दिखाई देता है। तो मेरी कल्पनाशीलता ये जो होती है
जो दिन भर आंख खोल के चलती रहती है, तो वो जब मुझे दिखाई नहीं दे रही तो फिर मैं क्या करूं, आंख खोल के करूं, या वो जो मुझे आंख बंद करने के बाद कुछ और दिखाई देता, कभी कभी कुछ विजन आते, कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि ब्लैंक, तो किस पे ध्यान केंद्रित करूं? जी, अभी ऐसा है ना कि अभी हमको अपनी कल्पनाशीलता को देखने के लिए अलग से बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। तो आंख बंद करते हैं तब दिखाई देता है, किसी पोस्चर में बैठते हैं तो दिखाई देता है। हेलो, तो अभी हमको अपनी कल्पनाशीलता को देखने के लिए बहुत सारा अलग से प्रयास करना पड़ता है, इसलिए बहुत सारी उलझने रहती हैं। तो देखना तो हमें अपनी कल्पनाशीलता को निरंतरता में, संपूर्णता में है। तो आप अभी दोनों ही देखें, आंख खोल कर जो दिख रहा है उसको भी देखें, आंख बंद कर जो दिख रहा है उसको भी देखें। जैसे जैसे आपकी सजगता बढ़ेगी, आपको हर क्षण अपना भाव स्पष्ट रहता है, अपना विचार स्पष्ट रहता है। तभी तो जब जी आंख खुली हुई है तो सामने से कुछ आस्वादन करते हुए शरीर के माध्यम से फिर आप रिस्पॉन्ड या रिएक्ट कर रही हैं। जब आंख बंद है तो जो कुछ भीतर है उसके आधार पर रिस्पॉन्ड या रिएक्ट कर रही हैं। जी बट अवेयरनेस अभी पूरी नहीं है ना, इसलिए उसमें जी भी जी श्रम है और इसमें भी श्रम है। तो जी अभी आवश्यकता लगती है तो आंख बंद करके देख लें। उसमें एक सुविधा ये है कि एडिशनल इनपुट नहीं आ रहा, जो पहले से स्टोर्ड हाँ है उसका हम ठीक से मूल्यांकन कर पाते हैं, ठीक जी है ना। एक बार वो चीज़ तो ठीक से हो भैया जाए तो फिर जी वो जी चीज़ ठीक से हो जाए तो तो मैं एडिशनल इनपुट आते रहेंगे तो भी हमारा रिस्पांस बना रहेगा। जी जी तो भैया, जो आंख खोल के मैं देख पाती हूँ, मतलब कुछ भी काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेरे विचार जो प्रवाह है वो चलता रहता है, ये सोचा फिर ये सोचा फिर ये आया फिर ये आया, तो मैं ऐसे ही देखूं इसको, ऐसे ही देखूं, और जो आंख बंद करके जो भी चीजें दिखाई देती हैं वो, ये तो खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरी चीजें जो उसको भी देखती रहूं? अभी आपने जो शेयर किया ना, वो आप विचार के स्तर पे देख रही हैं, इसमें बहुत सारा रैंडमनेस दिखाई दे रहा हाँ है। मन के स्तर पे देखेंगी तो ज्यादा स्थिरता दिखाई देगी। जी ये रैंडमनेस विचार जी के स्तर पे तो है ना, भाव के स्तर पे जी इतनी रैंडमनेस नहीं होगी। तो जी जी भैया भाव में आप देखेंगे कि आपके ज्यादा समय तक बने रहता है। हाँ जी, ये एक और था भैया, ये जो स्टडी मटेरियल था, एक बार आपने बात करी थी, स्टडी मटेरियल जो इसमें पड़ा हुआ है ऑनलाइन, उतना ही है कि उसके अलावा भी कुछ है? स्टडी मटेरियल के रूप में देखें तो अभी वेबसाइट पे कुछ किताबें हैं, कुछ किताबें भी वेबसाइट पे आनी है ना। जी जैसे UHE 3 की बुक अभी नहीं आई है तो वो अभी आनी है, UHE 4 की बुक अभी नहीं आई है वो भी आनी है, प्लस कुछ और बुक्स डेवलप हो रहे हैं है ना, वो भी आएंगे। तो जी इनका तो आप सदुपयोग कर सकते हैं, प्लस बहुत सारा ऑडियो वीडियो मटेरियल है उसको आप देख सकती हैं। तो जी देखिए जी कंटेंट वैसे देखें तो संक्षिप्त ही है, थोड़ी सी बात है, जी ज्यादा भाग जो है उसमें तो स्वयं ऑब्जर्व करने का जी है ना। तो सेल्फ के बारे में बात होनी है, एग्जिस्टेंस के बारे में बात होनी है, और एग्जिस्टेंस में सेल्फ के पार्टिसिपेशन के बारे में बात होनी है। मुख्य रूप से तीन ही बातें हैं, ठीक जी है ना। अब उसको अपने आप में ऑब्जर्व करना, ये मुख्य बात है। ठीक है भैया, थैंक बढ़िया दीदी यू, थैंक यू भैया। जी। तो सिंपली हम लोग आज स्टेप 2 पर 1 मिनट बचा हुआ है, मैं ब्रीफ कर देता हूँ, फिर हम लोग कल से जब आप शेयरिंग रखेंगे तो स्टेप 1 और स्टेप 2 को मिलाकर शेयरिंग रखिएगा, और मैं जब आंसर देने की कोशिश करूंगा तो स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों को मिलाकर आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी चल रहा है उसकी अवेयरनेस के साथ उसको देखा जाए, है ना, और उसको एज इट इज देखा जाए, और देखने की सुचता बढ़ेगी तो हम विचार से भाव की तरफ भी चल पाएंगे। तो जब विचार से भाव की तरफ हम चल रहे हैं तो भाव के लेवल पर चीजों को रिजॉल्व करना ज्यादा इजी है। विचार के लेवल पर जब हम कुछ करने जाते हैं तो फिर उसमें एडिशन डिविजन करते हैं वो चलता है। तो स्वभाव भाव के लेवल पर देखेंगे उसका मूल्यांकन करना एक आवश्यक बात है, क्योंकि जो विचार में फैल रहा है वो भाव से ही फैला है, और भाव देखेंगे सूक्ष्म है, और सूक्ष्म को अगर हम सही से मूल्यांकन कर ले तो वो जो ना सतह से बल पर फैला है वो कम हो जाएगा, ठीक से मूल्यांकन कर ले तो वो फैलने की संभावना भी नहीं रहेगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमको सिर्फ इतना ही करना है कि इच्छा जो मुझमें भाव चल रहा है, विचार चल रहा है, तो विचार चल रहा है तो उसके पीछे के भाव को मैं देख पाऊँ, उसको मैंने एक एग्जांपल से
इस सेशन में रखने की कोशिश की थी। कल से मैं और एग्जांपल दूंगा कि मैं भाव कैसे देख सकता हूँ। तो भाव के निरूपण मूल्यांकन करूँ, और जब मुझे भाव दिखने लगे तो मैं अपने से ये बात पूछूं कि ये भाव मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, ये मेरे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, मानवीय स्वभाव के अनुरूप है या नहीं, और मैं इस भाव की निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूँ कि नहीं। इतनी बात हमको भाव पर जाकर और पूछना है, और उसमें ध्यान इतना ही रखना है कि फर्दर हमको फिर से उसका एनालिसिस न करने लग जाए, विश्लेषण न करने लग जाए, सिर्फ पूछना है कि मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, और वेट करना है, सिर्फ अपने से पूछना है कि मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, फिर आप वेट करें, सिर्फ इसको पूछना है क्या मैं इसकी निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूँ कि नहीं, इतना ही पूछना है। फिर से वो सारे अन्यथा काम हम ना करने लगे जिसको हम लोगों ने स्टेप 1 में अवॉइड करने का कहा है। तो इतनी बात हम लोग और स्टेप में ऐड करें, तो कल हम लोग जब मिलेंगे इस भाव के साथ हम लोग और बात करेंगे। जी दीदी, तो समय हो गया, हम लोग यहीं रोक सकते हैं।